दी आदि मम्मी चैनल से आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और नई नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर में जब सामान खत्म हो जाए, हमें कुछ अलग सा और जल्दी बनकर तैयार हो जाने वाला नाश्ता खाने का मन करे, उस टाइम पे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे चावल का बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता, जो कि 10 से 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है और खाने में भी नाश्ता बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप इसे चाहे तो बच्चों के टिफिन में, घर में कोई मेहमान आए उस टाइम पे भी बना के सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं कच्चे चावल का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। कच्चे चावल का बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम टेस्टी चटपटा नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी चावल। आप कोई कटोरी या कप ले लें, उससे ही मेजरमेंट करके ले। और चावल को मैंने 10 मिनट के लिए पानी में भिगा के रख दिया था, अच्छे से वॉश किया उसके बाद भिगाया है। और अगर आप चाहें तो इसे बिना भिगाए भी नाश्ते को बना सकते हैं। ये लिया है मिक्सर जार, तो इसमें हम डालेंगे ये चावल को जिसे हमने भिगा के रखा है। बहुत जल्दी ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। चावल को मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है, तब हम इसे पीस के इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। और चावल को हमने भिगा के रखा था, तब इसमें पानी का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चावल को मैंने पीस लिया है, तब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। ये मैंने लिया है मिक्सिंग बाउल, स्पून की हेल्प से इसमें निकाल देंगे हम चावल के पेस्ट को। एकदम फाइन हमें पीसना है इसे। और ये नाश्ता बनाने के लिए आपको चावल के आटे का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, चावल का ही यूज करें आप। चावल का पेस्ट को मैंने इस मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। मैंने लिया है एक बॉईल किया हुआ आलू, इसे भी हम इसके साथ ऐसे ही ग्रेट कर देंगे। ग्रेट करके ही लेना है आपको आलू को, क्योंकि आलू में एक भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। आलू को भी मैंने इसके अंदर ग्रेट कर दिया है, तो मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच रवा, जिसे कि सूजी भी कहते हैं। ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आप इसकी जगह पे चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच से भी कम मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आप इस तरीके से चाट मसाला डाल के बनाते हैं तो। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, मिर्ची की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ये नाश्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। एक मैंने ली है ये मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे एकदम फाइन चॉप करके लिया है। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें क्योंकि हमने चाट मसाला भी डाला है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बहुत कम सामान लगता है इसे बनाने में और झटपट ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले चावल को हमने पीस के लिया है और इसमें बॉईल किया हुआ आलू भी डाला है, तो मॉइस्चर रहता है, तो हम इसमें पानी का यूज़ अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करते हुए एक डो की तरह तैयार कर लिया है, तब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रेस्ट पर रख देंगे, उसके बाद ही अपना नाश्ता बनाएंगे। 1 मिनट हो गया है, डो को भी एक बार चेक कर लेंगे, अच्छे से सेट हो चुका है, तो हम इसका नाश्ता बनाएंगे। आज मैं इस नाश्ते को डीप फ्राई करके बना रही हूँ। हाथों में मैं लगा लूँगी थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि डो हमारे हाथों में चिपके ना। इसमें से लेंगे थोड़ा सा बैटर, एकदम नींबू से भी थोड़े छोटे साइज़ का लिया है मैंने। और इस नाश्ते को आप अपनी पसंद के किसी भी शेप में बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से पहले इसे बाइंड करेंगे और एक शेप दे देंगे। आज मैं इस नाश्ते को बॉल शेप में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे टिक्की शेप में या अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये बॉल्स हमारी। तो ऐसे ही हम अपनी बॉल्स को बनाते जाएंगे और साथ ही साथ फ्राई भी करते जाएंगे। और इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल भी मैंने गर्म होने रख दिया है। एक एक करके बॉल्स डालेंगे। एक बार में जितनी आएंगी उतनी बॉल्स हम डाल के फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम, 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देंगे, उसके बाद ही इन्हें पलटाएंगे। एक बार पलटा देंगे सभी बॉल्स को। अब हम थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से ऐसे हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। और ये देखिए हल्का गोल्डन कलर आ चुका है, ये बॉल्स भी हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, निकाल लेंगे अभी ने। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारे कच्चे चावल के बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम टेस्टी चटपटे बॉल्स। 1 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे कढ़ाई के ऊपर, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वापस कढ़ाई में चला जाए।
कच्चे चावल का हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और खाने में भी नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत जल्दी ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। आप इसे चाहे तो घर में कोई मेहमान आए, बच्चों के टिफिन में, या जब भी आपके घर में कुछ सामान ना हो और आपको कुछ ऐसा हल्का लाइट वेट नाश्ता करने का मन हो, तो उस टाइम पर आप बनाएं कच्चे आलू का बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।